प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें आने वाले कुंभ में सप्त देवालय की बात कही गई। वृंदावन स्थित श्री राधा दामोदर मंदिर में बुधवार की देर शाम एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें वृंदावन के प्राचीन सप्त देवालयों के सेवायत मौजूद रहे, जिसमें राधा दामोदर मंदिर के सेवायत ने बताया कि वृंदावन में लगने जा रहे कुंभ मेले को लेकर सप्त देवालय के सेवायतों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया जिसमे वृंदावन कुंभ में सप्त देवालयों का एक डेरा बनाया जाएगा। वहीं 7 मार्च को सप्त देवालयों की एक साथ वृंदावन शहर में सवारी निकाली जाएगी। अंत में सवारी कुंभ मेले के डेरे पर समाप्त होगी। मनोज अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। कृष्ण गोपाल महंत विराजमान थे। राधा रमन मंदिर से पद्मावती विराजमान थे। राधा उपरांत मंदिर से सुभद्र गोस्वामी विराजमान थे और राधा रमन जी से समर्थ विराजमान थे। सबसे जो बैठक में जो बात चर्चा हुई उस चर्चा में सत्य देवालय मंदिर की जो शोभायात्रा शुरुआत हुई वो यमुना पूजन के लिए शुरुआत हुई। सबसे प्रथम यमुना जी की पूजन सभी गोस्वामी गण मंदिर से करेंगे। साथ में यमुना जी के आशीर्वाद के पूजन करके वहाँ से शोभायात्रा को शुरुआत करते हुए लोही बाजार मधुबनी बाजार होते हुए राधा रमन मंदिर होते हुए गोपीनाथ बाजार होते हुए रघुनाथ मंदिर अनाज मंदिर का बाजार होते हुए शोभायात्रा के बाद मंदिर के महादेव होते हुए शोभायात्रा कुंभ मंदिर में जाके संपूर्ण समाप्त होगी। समाप्त होने के बाद ये शोभायात्रा सत्य देवालय के नाम से जो टेंट होगा उस टेंट में जाके सभी मंदिर के गोस्वामीगण जाके विराजमान होंगे। कम से कम 8 से 9 हजार भक्त इस शोभायात्रा में रहेंगे और 8 से 9 हजार भक्त शोभायात्रा का प्रसाद पाएंगे और कुंभ मेला में जाके सभी साधु संत का वहां से जाके आशीर्वाद प्राप्त। वृंदावन के विश्व